हाय गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं खेतों से। और आज बहुत दिन बाद निकली धूप, तो हम थोड़ा सा टहलने आ गए थे। और आप लोग बताओ, आप कैसे हो? सर्दी हो रही है नहीं हो रही? हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है सर्दी। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शादी का काम है और काम की वजह से ना एक भी टाइम नहीं मिल रहा। और सोशल मीडिया पर भी मैं एक भी एक्टिव नहीं, इंस्टाग्राम पर भी रील्स नहीं बना पा रहा हूँ, ना यूट्यूब पर भी ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो आपको दिखाते हैं पहले मैंने कौन सी मॉडल ली, क्या लिए, सब आपको सारी एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा और इसका बेस्ट रिव्यू दूंगा इस गाड़ी का। जो अच्छा पार्ट बुरा पार्ट जो भी है, सारा अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने 3 दिन से चलाई गाड़ी को, ज़्यादा भी नहीं चलाई क्योंकि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, दूसरी वेगनार ही है, तो उसका तो मैंने अब तक रिव्यू नहीं दिया। लेकिन बट ये न्यूली ये 2024 मॉडल में क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए, तो उसका पूरा रिव्यू है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी मिस मत करना। जो लोग भी गाड़ी देखना चाहते थे, आप लोग देख लेना आपके लिए गाड़ी अच्छी है ख़राब है। इस वीडियो में पूरा मैं इस गाड़ी का रिव्यू दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने से गाड़ी का ये लुक आता है, जो लुक थोड़ा सा काफ़ी इन्होंने अच्छा बना दिया हुआ है। इस पर मैंने अभी कोई एक्सरीज नहीं लगवाई हुई है, जो थी बिल कंपनी फिटेड जो भी था, अभी ओनली वही कुछ है। और सबसे पहले इसका देखते हैं गाड़ी की देखने में कैसी लगती है गाड़ी ये। तो पीछे से इन्होंने कुछ गाड़ी के ये चेंजेस 2024 मॉडल में किए, 2023 में बल्कि ये थे। तो इसमें देखो ये पिलर लाइट लगा दी गई, टेल लाइट, टेल गेट बदल दिया गया उसका। और ये 2 सेंसर दे दिए इन्होंने बैक वाले, बट इसमें इन्होंने कैमरा नहीं दिया। कैमरा टॉप मॉडल पे भी नहीं देते हैं, कैमरा हमें आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। और बूट स्पेस की अगर बात करें इसकी, तो बूट स्पेस इसमें काफ़ी दे देते हैं, 20 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें अगर आप चाहो तो आराम से मैं खुद बैठ सकता हूँ इस पर, आराम से ये पार्सल ट्रे ये हट जाती है। बूट स्पेस का फुल मतलब है कि आराम से आप एक लोग चाहो तो थोड़ा सा मतलब सो सकता है, मतलब कि आराम से ठंडियों टाइम में आराम से यहाँ सो सकता है बिछा के फोल्ड पैर करके। बट पैर तो नहीं फैल पाएंगे पूरे, इतना तो नहीं स्पेस, बट काफ़ी है फिर भी, क्योंकि मैं इसके अंदर आराम से आ गया हूँ। और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, नहीं तो यहीं फंसे रह जाएंगे। बाकी इसका दिखाते हैं ये पार्सल ट्रे इसकी, जो पार्सल ट्रे अगर यहाँ पे आपको साउंड लगवाने तो वो भी लग जाएंगे, जो आफ्टर मार्केट ही लगते हैं। और ये हट भी जाती है, अगर कुछ बड़ा सामान हुआ तो हट जाती है। बाकी इसका और बड़ा इसका इसकी डिग्गी बंद करने के बड़े आराम से है, डन, मतलब एक फील आता है, मतलब है। और इसकी अगर टायर की बात करें तो 14 इंची टायर है और काफ़ी गैप देते हैं यार, मतलब देख रहे हो आप लोग को, 5 इंच का गैप देती हैं आप टायर और चेचिस पे। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि इसके टायर पहले से इन्होंने बड़े कर दिए हैं, जो 165 सेंटीमीटर कर दिए इन्होंने, 14 इंच टायर है सारे टायर। और यहाँ से इसका पीछे का लुक ना भाई साहब, भाई तो वेगनार, तो पीछे से मैं इन्होंने छोटी स्कॉर्पियो तरीके से पीछे से बना दी। स्कॉर्पियो में भी देखा होगा आप लोगों ने, पहला लाइट देते हैं। और ये साइड से अगर देखें तो ये मैंने पेट्रोल पे ली है, तो ये पेट्रोल का एफ है। और यहाँ की अगर अंदर से बात देखें तो ये कुछ इसके डोर हैं इस टाइप के, चारों इसके पावर विंडो हैं। और ये है, बाकी काफ़ी स्पेस है अगर इस पर देखें तो, काफ़ी स्पेस मिल जाता आराम से वो बैठने का। क्या है यहाँ पे सब लोगों की सीट बेल्ट इन्होंने दी रखी हैं, मतलब पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। मैटी न्यू जो भी है यहाँ पर रखा हुआ है जैक। और ये कुछ इसका यहाँ से सीन है, चारों पावर विंडो। और हम लोग कुछ निकलते हैं यहाँ से, 998 998 सीसी का इसका इंजन है और काफ़ी अच्छा इंजन है, गाड़ी के हिसाब से इंजन बहुत अच्छा है। और इसकी जो टायर की बात करें तो टायर तो यार काफ़ी बड़े इन्होंने कर दिए, जो आगे से लुक निकल के आता था गाड़ी का, तो मतलब एक अगर बोलें तो ये फैमिली कार के अलावा टॉप 2 सेलिंग इंडिया पे इसकी बिकने वाली कार है, ये सेलिंग 2 पे इंडिया पे इसकी बिकनी, मारुति सुजुकी। और इसका कुछ इस तरह ये है, इसकी कीच दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसकी कीच कुछ ऐसी है, डबल चाब मिली थी इस पर, ये सेंटर लॉकिंग लॉकिंग और लॉकिंग का सिस्टम इस पर। और दिखाते हैं आपको ये, जैसे इसको मैंने बंद किया ये, तो इस पर इन्फॉर्मेटिव सिस्टम मिला था मुझे, जिसमें 2 साउंड मिले थे और ये मिला था। भाई रात पे इसकी लाइट भाई बहुत अच्छी है, मतलब मैंने चलाई है तो रात पे इसकी लाइट तो बहुत अच्छी। इसको बंद कर देते हैं। और ये भगवान जी श्री गणेशाय नमः। और इस पर अगर लाइट देखें तो आप लोग देखो अभी
गाड़ी 180 ओनली चली 180 किलोमीटर और ये लाइट सारी इसमें है। इग्निशन मोड पे भी है कार, इसके चारों पावर विंडो हैं और यहाँ से हमें मेरा एडजस्टमेंट मिल जाता है, देखना भी आप ये देखिए ये, तो ये बहुत अच्छी बात लगी जो उन्होंने नए फीचर भी किए। और ये एयरबैग का ऑप्शन है, यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो, वैसे हमेशा ऑन ही रखना चाहिए, कुछ वैसे है नहीं है। और बाकी यहाँ पर बोतल होल्डर दे दिए इन्होंने, यहाँ दोनों साइड हैं और पीछे भी इन्होंने दे दिए, नए पुराने वाली में नए हैं बट इस पे हैं बोतल होल्डर, इस पे दे दिए लोगों ने। और गाड़ी चलने में भाई माशाल्लाह क्या गाड़ी चलती है भाई, बट अच्छी है। अभी थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज और लगवानी पड़ेगी बस, गाड़ी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चला जैसे मैंने जितना भी मैंने चलाया। ये पहले तो एसी बंद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी में ना चलने में एक भी नॉइस नहीं है, और क्या ही बताऊँ, मतलब सस्पेंशन इसका एक नंबर भाई। और दो एयर बैग, एक ये एयर बैग यहाँ पे है ये, और एक एयर बैग इन्होंने सामने ड्राइवर को दे रखा है, दो एयर बैग इस पे कार पे काफ़ी अच्छी, जिस हिसाब से कार साथ दो एयर बैग काफ़ी अच्छी सेफ्टी के लिए। और माइलेज भी इसका अभी दिखाता हूँ आप लोग को, माइलेज में अभी कितना सो रहा, क्योंकि नई कार अभी देखिएगा, तो अभी अभी दिखा रहा है माइलेज है 16.66 का, बट अभी ये 22 तक जाएगा समथिंग, अभी नहीं हुआ, अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, फर्स्ट सर्विस आई इसकी 1000 किलोमीटर पे होगी, आई डोंट नो शायद, बट वो तो नोटबुक इसकी जो बुक है उस पर देखना पड़ेगा। और यहाँ से कुछ ऐसा कुछ ये है कि चार्जर होल्डर मिल जाता है, और ये है बाकी अच्छी कार लगी मुझे, माइलेज भी इसका अच्छा है और इसकी पावर भी अच्छी है। अभी थोड़ा सा हम इसका दिखाएंगे आपको पावर कितनी क्या खींचती गाड़ी है। और ये छोटा सा गियर नॉब मिल जाता है जो मुझे बहुत प्यार लगता है ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसकी सीटें काफी कंफर्टेबल हैं, जगह बहुत है यहाँ पे, ये देखिए आप जगह बहुत है, तो आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कोई नॉइस नहीं, कोई वो नहीं है, आराम से हर चीज कर सकते हैं आप। अभी मैं निकाल लेता हूँ कीच इसकी जो कार के अंदर ही रह जाए, और बाहर से जो उसका लुक आता भाई साहब, गाड़ी एक नंबर है बिल्कुल, ये कोई वो नहीं। अभी थोड़ा सा आफ्टर मार्केट मुझे कुछ लगवाना पड़ेगा इस पर, तो आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों कार कमेंट में, और आप लोग अगर लेना चाहते हो तो अगर इस गाड़ी की देखो आप। और ये एक मेन चीज़ बात है, क्योंकि गाड़ी का जो अब नंबर है डिलीवरी से पहले गाड़ी पे नंबर लगा हुआ मिलता है, मतलब डिलीवरी में हमें गाड़ी का नंबर लगा हुआ मिला था, तो वो थोड़ा सा नया वाला फील ख़त्म हो जाता है, बट क्या कर सकते, जो रूल है सो रूल है। और एक चीज़ आपको दिखा, अगर आपको यहाँ से सीट फोल्ड करनी हो तो ये जस्ट पुल किया आपने और ये सीट जस्ट फोल्ड हो गई, ऐसे वो वाली भी हो जाती है, तो आप यहाँ से भी घुस सकते हो जिसको घुसना हो। तो ये काफ़ी अच्छा सा लगा मुझे, ये काफ़ी बूट स्पेस अच्छा है। चलिए फिर थैंक यू सो मच, आप बताना आपको कार कैसी लगी और क्या है। और ये सब मालते की पैचिंग हर जगह दे रखी है इन लोगों ने, बाकी कार तो भाई एक नंबर, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कार, बाकी आप लोग बताना कैसी लगी कार। करते हैं गाड़ी स्टार्ट, ये देखना यार बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह चलती, मक्खन नहीं होते एक तरीके मक्खन। और गाड़ी का आप देखना पिकअप भाई साहब, तब गाड़ी बिल्कुल राजा चलती राजा, ये देखना गाइस। मेरे को तो यार चलाने में स्टेयरिंग इसकी बहुत हल्की है, बहुत ज्यादा हल्की, मेरे को तो बहुत मजा आती चलाने में इसको, आप लोग को भी बहुत अच्छा, बिल्कुल स्टेयरिंग इसकी बिल्कुल हल्की है तो। और इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, मतलब और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी इन्होंने दे रखा है, तो चलने में तो बहुत मस्त है भाई गाड़ी, ये चलने के लिए कोई इसको नहीं बोल सकता गाड़ी चलने में अच्छी नहीं है वो। और इसका जिस हिसाब से इसका इंजन है, गाड़ी भी छोटी है, तो इसका पिकअप बहुत बेस्ट है यार भाई, मतलब ये 100 की स्पीड में 30 सेकंड में पहुंच जाती है 100 आराम से, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो 30 सेकंड में आराम से 100 गाड़ी खींच जाती है ये, तो भाई पिकअप का तो नहीं इसका बोल सकते भाई, पिकअप एक नंबर है गाड़ी का। अब यहां से घुमा लेते हैं गाइस,
थोड़ा मेरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका बढ़िया बात गाइस के बैठे बैठे मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, तो बैक करने में एक भी आपको दिक्कत नहीं रहती है। ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी मिरर एडजस्टमेंट जो इसका इलेक्ट्रिक इन्होंने दे रखा है गाड़ी। और यहाँ देख गाइस सरसों के खेत, यार क्या मस्त भाई। यहाँ तो मस्त शाहरुख खान की जो मूवी एक हो गया है तुझको प्यार सजना, वाह 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 क्या गाना था यार। बाकी गाड़ी का परफॉर्मेंस, पिकअप और माइलेज ना इसकी यार कम से कम आपको 22 तो एक सर्विस के बाद, वन आफ्टर सर्विस के बाद इसको 22 माइलेज तो आराम से दे देगी। सिटी पे 20 दे देगी, हाईवे पे 22 का आराम से दे देगी इसका माइलेज। और यार गाड़ी है तो गाड़ी ठीक है, अच्छी है गाड़ी, बहुत बेस्ट है। बस थोड़ा सा मैं सोच के कि बिल्ड क्वालिटी जो आप लोग तो जानते हो कैसी देते हो लोग, थोड़ा सा तो बस उसी चीज के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी गाड़ी चलने में पिकअप, गाड़ी का बैकअप बहुत बेहतरीन है यार, तो इस चीज को तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। बाकी आप लोग अपने बताना, अगर आप लोग के पास हो तो कमेंट बताना कैसा क्या है। और ये गाड़ी 2024 मॉडल की वैगनार VXi है, पेट्रोल मॉडल। और ये ऑन रोड इस समय गाड़ी की पड़ रही है 735 की, पड़ी 735,000 की ये गाड़ी ऑन रोड प्राइस है इस पे। अभी 2024 के जनवरी पे मैंने जो ली ये गाड़ी 735,000 की है। ये फुल एक्सेसरीज इसमें इन्होंने दी है, व्हील कवर, माइंड शील्ड, काफी स्पॉइलर, काफी चीज इन्होंने लिख दिया है, डोरमेट्स हैं, काफी चीज है। तो मेरे को तो गाड़ी बहुत पसंद है भाई। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना और ब्लॉग अच्छा लगा, अगर रिव्यू इसका ट्रस्टेड आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग बताना कैसा क्या रिव्यू है इसका। मैंने 100% जो मैंने एक्सपीरियंस है मैंने वही दिया है। बाकी आप लोग अगर आप लोग पास हो या आप लोग सोच रहे इन फ्यूचर कार लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी फैमिली कार के लिए बहुत बेस्ट कार है गाइस। इससे वैगनार ये इंडिया पे टॉप 2 सेलिंग कार पे, पहले पे स्विफ्ट आती है और दूसरे पे ये वैगनार आती है। तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसे क्या है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच व्लॉग पूरा देखने के लिए, और आप लोग बताना कैसी लगी कार कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग पे जल्दी। बाय बाय, टाटा।